सामने एक बूढ़ी औरत आई और उसने उससे पूछा, मुबारक दिन, तुम बहुत जिंदा दिल लगते हो, मगर मैं भूखी और प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने को दोगे? उसे बूढ़ी औरत पर तरस आया और उसने वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। बूढ़ी औरत खुश हो गई। जब उसने चलने का इरादा किया तब बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया। मेरे नौजवान दोस्त सुनो, तुम बहुत रहम दिल हो, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। तुम्हारे रास्ते में आगे तुम्हें एक यह बलून का दरख्त मिलेगा, जिस पर तीन परिंदे बैठे होंगे और चोगे पहनकर मुरादे पूरी करते होंगे। तुम अपना तीर परिंदों के दरमियान चलाना और उनका चोगा ले लेना, और साथ ही उस परिंदे का एक पर भी ले लेना। जब तक ये तुम्हारे पास होगा, तुम हर सुबह अपने तकिए के नीचे सोना पाओगे। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, अगर ऐसा हकीकत में होता है तो ये बेहतर होगा और मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। शिकारी घर आया, चोगे को अपनी दीवार पर लटकाया और अपनी कमीज में रखे पर के साथ बिस्तर पर सो गया। ये एक खूबसूरत दिन था और शिकारी जागा और तकिए के नीचे देखा और वहाँ एक खूबसूरत सोने का टुकड़ा पड़ा था। खुशी खुशी उस शिकारी ने मुसलसल पर को अपने पास रखने का फैसला किया और हर सुबह तकिए के नीचे उसे सोना मिलने लगा। उसने इतना सोना जमा कर लिया कि वो मर्तबान में भर सकता था। जब वो भर गया तो वो खुश हो गया और बाहर दुनिया की तरफ देखते हुए उसने कहा, अब मैं अमीर आदमी हूँ, मैं इतनी दौलत के साथ यहाँ क्या करूँगा, मुझे दुनिया में बाहर जाना चाहिए और दूर दूर तक सफर करना चाहिए। और इस तरह शिकारी अपनी मुहिम जोई सफर पर निकल पड़ा। उसने जंगलों से, नदियों से और पहाड़ों और शहरों से अपना सफर तय किया। अपने चोगे और पर के साथ वो जा रहा था और रोजाना वो और ज्यादा सोना जमा करता रहा। एक दिन वो बहुत खूबसूरत महल पर पहुंचा और वहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखा जो वहाँ उस महल में एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी। क्या तुम उस नौजवान को देख रही हो? उसके पास जादू की दो बहुत ही कीमती चीजें हैं। हमें उसे ये लेनी होगी। मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने आज से पहले ऐसी हसीन औरत कभी नहीं देखी। आप यहाँ किस लिए आए हैं जनाब? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आदाब, मैं सफर कर रहा था, मैं थका हुआ हूँ और आपके महल में कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। मेरे पास माकूल पैसा है आपको देने के लिए। ठीक है, बराए मेहरबानी। दिन गुजरते गए। शिकारी ने महल में अपना सारा वक्त बिता दिया उस औरत के प्यार में डूबे हुए। जब वो सो रहा था, चुड़ैल ने उसका वो पर चुरा लिया। फिर भी शिकारी ने कोई रद्द अलम जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो उस हसीन औरत के प्यार में डूब गया था। उसकी दौलत घटने लगी क्योंकि वहाँ रहने के लिए वो उसे पैसे दे रहा था। चुड़ैल को वो चोगा भी चाहिए था। उस चुड़ैल ने जाकर उस खूबसूरत लड़की से इस बारे में बात की। हमें फौरन ही वो चोगा लेना चाहिए। उस शख्स ने पहले से ही अपनी सारी दौलत खो दी है, बराए मेहरबानी उसे रहने दो। तुम वही करोगी जैसा मैं कहूँगी, और मुझे फौरन ही वो चोगा चाहिए। क्या बात है जानेमन, तुम बहुत फिक्रमंद लगती हो, तुम गमगीन क्यों हो? वहाँ एक बड़ी संगमरमर की चट्टान है जिसमें बहुत ही कीमती हीरे और पत्थर हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच सकता। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ पर मैं नहीं जा सकती, और इससे मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। अगर यही तुम्हारी तमन्ना है तो फिर मैं इसी वक्त इसे पूरी करूँगा। ये वाकई कमाल का है।
खुशी है कि तुम खुश हो। तुम्हें एतराज तो नहीं होगा अगर मैं तुम्हारी गोद में कुछ देर आराम कर लूं? मैं बहुत थक गया हूँ। शिकारी जब जागता है तब वो देखता है कि वो फंस गया है और गुस्से में वो उस औरत को बद्दुआ देता है। लोग कितने बेकार हैं, अब मेरा क्या होगा? उसी पल वो देखता है कि तीन हैवान उसकी तरफ आ रही है। ये जानकर कि वो भाग नहीं सकता, वो मरने की अदाकारी करता है। वो आपस में मशवरा करते हैं कि अब उसका क्या करें। चलो इसे मार डालें और खा जाएं। बादल उसे यहाँ से ले जाएंगे। चलो किसी मुसीबत पे ना पड़े और इंसानों को यहाँ मुतवजे ना करें। अगर मैं एक बादल पर सवार हो सकूं, तो मैं यहाँ से फरार हो सकता हूँ और शायद उस महल को भी ढूंढ सकता हूँ। और इस तरह एक बादल आया जो उसको एक लंबी दूरी तक ले गया और उसे एक घने जंगल में गिरा दिया, जहाँ से वो चलकर महल में गया। दिन में सूरज और रात में सितारों से संत जानकर रास्ते में उसे एक सब्जियों का खेत मिलता है। वो भूखा था तो उसने फैसला किया कि वो सलाद का एक गुच्छा काट कर खा ले। उसने बेतमनानी महसूस की और बकरा बन गया। उसे महसूस हुआ कि इस खेत के सलाद में जरूर ही जादू होना चाहिए। वो घबरा जाता है और अलग किस्म की सब्जी खाता है। इससे मुझे अपनी दौलत पाने में मदद मिलेगी और उन फरेबियों को सबक भी सिखा सकता हूँ। के लिए रियासत का सबसे बेहतरीन सलाद लाने के लिए सफर किया था। मुझे मिल गया है और मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। मुझे एक रात आराम करने की जरूरत है। सचमुच? क्या तुम मुझे रियासत का सबसे बेहतरीन सलाद का मजा चखने दोगे? बेशक मोहतरमा। ये बहुत ही मजेदार है। ये बहुत ही लजीज है। इस तरह शिकारी को अपनी दौलत वापस मिल जाती है। हालांकि अभी तक उसने बकरियों से बदला नहीं लिया। उसने वो बकरियां एक चक्की वाले को दे दी और उससे कहा कि वो बूढ़ी बकरी को तीन बार छील के खिलाए और भूसा सिर्फ दिन में एक बार ही खिलाए, और जवान बकरी को तीन बार भूसा खिलाए और छील के सिर्फ एक बार। कुछ दिनों के बाद वो चक्की वाला जवान बकरी के साथ लौटा। हुजूर, वो बूढ़ी बकरी मर गई और ये वाली इतनी दुखी लगती है कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मेरे प्यारे शिकारी, मैं हर बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस चुड़ैल ने मुझे वो करने के लिए मजबूर किया, मैं उसे नहीं रोक सकी। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और प्यार करता हूँ। और इस तरह वो हमेशा हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।